स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई एकेडमी फॉर ऑल में। अब एग्ज़ाम्स को बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी होगी अब तक मैथ्स के पेपर की, कुछ होंगे जिन्होंने थोड़ा सा किया होगा और कुछ होंगे जो पूरा रिवाइज कर चुके होंगे, सिंपलीफायर्स भी कर चुके होंगे। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको दोबारा से एक बारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। आपको फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा है सर कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आपको करने बहुत ज़्यादा जरूरी है फाइनल के लिए, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल में करना है, कौन सा नहीं करना है और कौन सा एग्जाम्पल करना ज़रूरी है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। उसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि इसमें करना क्या और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो एग्जाम में आए और आपको आता ना हो। अब बात आ रही होगी आपके माइंड में क्या एनसीईआरटी पूरी रिवाइज करी जाए दोबारा से, क्या सारे क्वेश्चन करें अब हम? नहीं, अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ये करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ आप ये क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, ये वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको एनसीईआरटी में से, एक्स्ट्रा में से नहीं, एक्स्ट्रा में भी आएगा, पेपर बाहर से भी आता है एक्स्ट्रा में से। तो आपको पहले ये क्वेश्चन जरूर करने हैं जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा, और अगर एक्स्ट्रा में भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाए एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3-day schedule, day 1, day 2, day 3, मतलब कि day 1 में आप कुछ चैप्टर्स करेंगे, day 2 में करेंगे और day 3 में कुछ चैप्टर करके हम एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। और साथ बाई साइड आप इसके आप सैम्पल पेपर्स भी कर सकते हैं, उससे हमारी टाइम भी बचेगा काफ़ी। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर हम कर रहे हैं स्टैट्स, 14.1 का करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2, वो भी डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों से। वैसे कहीं मेरे हिसाब से नहीं आएगा पेपर के अंदर कि कौन से एक किसी एक मेथड से करना है, लेकिन आपको तीनों आने चाहिए। एक बार एक क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा तीनों मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है मिसिंग, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कम चांस है लेकिन आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, एक्सरसाइज 14.2 मोड पे है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं आपको, दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मोड आ जाएगा, आसान है। और अगर किसी को सेट्स नहीं आता है तो मैथ्स रिवीजन की प्लेलिस्ट में हमने सारे चैप्टर को रिवाइज कराया है, उनमें वो सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको मैथ्स की रिवीजन क्लास 10th में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है और साथ के साथ आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज कराते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसी में से एग्जाम में आएगा, लेकिन वो अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपका सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। अगर किसी ने कुछ नहीं किया है अब तक तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल प्लेलिस्ट 7-8 आवर्स की होगी पूरे सारे चैप्टर्स की मिला के, आप अगर उसको करेंगे उससे सीखेंगे चैप्टर वाइज तो आप सारे चैप्टर्स बहुत आराम से सीख जाएंगे। अब बात आ रही 14.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मीडियन निकालना है सिंपल, और क्वेश्चन नंबर 2 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है जब मीडियन गिवन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम है एग्जांपल नंबर 8, तो ये दोनों क्वेश्चन और एक एग्जांपल नंबर 8 आपको इस एक्सरसाइज में से करना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीनों मेन मीडियन मोड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, मीन और मोड दे दिया मीडियन फाइंड करना है, मीडियन और मोड दे दिया मीन फाइंड करने को आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 14.4 1 और 2 दोनों करने हैं, 1 में सिर्फ आपको लेस देन हो जाए दिया गया बनाने के लिए, लेकिन आपको मोर देन का भी बनाना है जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको लेस देन और मोर देन दोनों का औजाइव बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जबकि इसमें लेस देन का ही दिया हुआ है सिर्फ, तो आपको लेकिन दोनों बनाने हैं आपको, तो जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 6-7 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत वेटेज है इस चैप्टर की, इसलिए अच्छे से कर लिएगा, और जिसको नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो उस चैप्टर को। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1। एक बात बता दूं मैं आपको, जो क्वेश्चन मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी ऑर्डर में करना है, पहले जो क्वेश्चन बताया पहले वही करना है। हम कुछ ऐसे तरीके से बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इजी होता जाए, यानी कि आप पहले मुश्किल क्वेश्चन कर ले जिसमें आप अटक जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको एक ऐसा सीक्वेंस बता रहे हैं क्वेश्चन करने की कि पहले ईजी, फिर थोड़ा उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, जिससे आप एक सीक्वेंस में उन क्वेश्चन को आराम से कर पाए। तो 7.1 में आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर करना है 10, जिसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच का। एक्सरसाइज 7.2 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 9, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। 7.2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है, सेकेंड का भी फर्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और एक क्वेश्चन आता है इसमें एरिया जहाँ पे गिवन होता है, जहाँ एरिया गिवन होता है इस क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल जब गिवन हो, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है, तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू जो भी एरिया गिवन हुआ, मान के चला 3 स्क्वायर यूनिट गिवन था, तो इक्वल टू आप रखेंगे प्लस माइनस 3। एक बारी प्लस 3 से करेंगे, एक बारी माइनस 3 इक्वल टू रख के करेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। दो आंसर आएंगे उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 7.4 ऑप्शनल है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने पास लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, सबसे पहले आपको सर्कल के अंदर 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम दोनों करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकती है, इसलिए दोनों करके रखिएगा। और उसके बाद आपको करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये कम इंपॉर्टेंट है, 1 to 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत आराम से इसमें आ सकता है। और एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लास्ट 10 साल के पेपर करेंगे तो आपको कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन मिले होंगे, आपने किए होंगे इनको, तो आप देख सकते हैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप इनकी। इसके बाद हम करेंगे रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1, बहुत कम क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें से गिने चुने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 थोड़े से टिपिकल है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको, जिसको समझ ना आए वो ऊपर गोल आइकन में प्रेस करके ये सारे क्वेश्चंस देख सकता है, हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर नंबर 1 पे, और मैथ्स की रिवीजन क्लास में भी आपको मिल जाएगी सबकी वीडियो, और एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपको करना है। एक्सरसाइज 1.2 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5 से बिल्कुल सेम है, इसलिए बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन करने हैं, जो एग्जाम्पल पहले बताया वो करना है, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन करना है, अगर क्वेश्चन पहले बताया तो वो करना है, फिर एग्जाम्पल करना है, उसी ऑर्डर में आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब एक्सरसाइज 1.3 में हम करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि सेम है एग्जाम्पल 9, आपको अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसमें देख सकते हो, और फिर क्वेश्चन 1 बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे, एग्जाम्पल नंबर 10 और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पेज 16 पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऐसे ना उसमें एग्जाम्पल लिखा गया है ना ही कोई क्वेश्चन नंबर दिया गया है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं कि बिना डिवाइड किए आप बताइए कि ये जो रेशनल नंबर है कितने प्लेस तक डिवाइड हो सकता है, जहाँ इस बिना डिवाइड किए बताओ कि क्या वैल्यू आती है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है इसमें से इस बारी आपको। एक्सरसाइज 1.4 में कोई से भी 3 से 4 पार्ट आप कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन करके जाइएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अब हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल नंबर 13, फिर एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12, 13, फिर क्वेश्चन नंबर 1, 15, 16, 17, 18, एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल है, उसमें से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शनल एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ मिसिंग है, किसी में रेड बॉल्स दे दी, ब्लू बॉल्स निकालनी है, एक बॉल्स के बारे में बताया गया, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ बॉल्स द मार्बल्स निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करके जाइएगा इस ऑप्शन में से। तो हम साथ में ये भी बता रहे हैं कि ऑप्शनल में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और बाकी नहीं करने हैं आपको। ये थे डे 1 के क्वेश्चन, 5 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं इसके अंदर, जितना भी टाइम लगे आपको फटाफट ये क्वेश्चन रिवाइज करने,
इस 3 दिन के शेड्यूल के बाद एनसीईआरटी रिवाइज करने के बाद मैं आपको हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में आ सकते हैं, वैसे नहीं तो उसके जैसे जरूर मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए फटाफट एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।